अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साजदास किचन। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय डिशेस। आई एम सो हैप्पी कि आप मेरी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो मैं रेसिपी आपको देने जा रही हूँ वो है घिया कद्दू और प्याज। आपने घिया कद्दू और गोश्त का सालन खाया है माशाल्लाह, और जैसे जिसमें हम शोरबे के साथ बनाते हैं, और घिया कद्दू और चने की दाल भी हम बड़े शौक से खाते हैं। तो आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ ये भी बहुत सारे घरों में बनती है, और प्याज है और ये घिया कद्दू है। घिया कद्दू जो है वो आधा केजी मैंने लिया है, ये वाला गोल कद्दू जिसे हम कहते हैं, इसको घिया कद्दू है। एक लौकी होती है जो लंबी होती है, ये मैंने हाफ केजी लिया है। इसको मैंने इस तरह से पील कर लिया है और फिर मैंने इसको इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसिस जो हैं वो काटे हैं, ठीक है। आपने भी ऐसे ही काट के इस तरह से आपने इसको बना लेना है। फिर मैंने चार प्याज लिए हैं, मीडियम चार प्याज है, इसको भी मैंने बारीक स्लाइस काट लिया है, ये देखिए। और चार ही मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी आपने इस तरह से चॉप कर लेना है, चॉप तो नहीं है, इस तरह से कट कर लेना, और ये मसाले में जाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए जनाब, मैं आपके साथ ये स्टार्ट करती हूँ रेसिपी, और देखते हैं कि ये कैसे बनती है। और इसके लिए अब मैं लूँगी ऑयल, ये जनाब मैंने पैन जो है वो रख दिया ऊपर, और अब मैं फ्लेम भी ऑन कर दिया। मैं इसके अंदर ऑयल लेने जा रही हूँ। ऑयल आपने हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अभी हम क्वार्टर कप डालते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एकदम से बहुत सारा ऑयल नहीं आपने डालना, ये डाल दिया। और अब मैं ये प्याज जो मैंने चार मीडियम स्लाइस किए हैं प्याज को, ये मैं डालूंगी इसके अंदर। एक मिनट, ये सबसे पहले हम जीरा ऐड करते हैं इसमें, जीरा ऐड किया, थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है, और साथ ही हमने ये प्याज डाल, इस तरह का कोई बड़ा प्याला हो उसको आपने इस तरह से प्याज बना के रख लेना, ये देखिए। अब हम इसको सॉफ्ट करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे ना, जब जैसे ये थोड़े नरम पड़ जाएंगे तो फिर हम इसमें टमाटर को ऐड करेंगे। देखिए हमारी प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, इस तरह से ही हमने और थोड़ा सा इसको टाइम देना, एक से दो मिनट, तो ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये तो बहुत श्रिंक हो गई है, ठीक है। लेकिन हमने इसको कलर कोई नहीं देना, हम हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा प्याज सॉफ्ट रहे लेकिन कलर ना आए। लीजिए जनाब, हमारे प्याज बिल्कुल हो गए हैं जैसे हमें चाहिए थे, सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं और श्रिंक भी हो गए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो चार मीडियम टमाटर हमने लिए थे ये वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और अब हम इसमें डालेंगे नमक अपने हिसाब से, जितनी आपको ज़रूरत है आपके टेस्ट के मुताबिक रहेगा। और ये डेढ़ टी स्पून लाल मिर्च है, इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हाफ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर हल्दी, इसको डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसको मैं कवर कर देती हूँ, ये अपनी ही स्टीम में सॉफ्ट हो जाए। नहीं स्टीम में, क्योंकि टमाटर का पानी भी काफ़ी होता है इसमें, तो आप आराम से इसको इसमें डाल सकते हैं। ये लीजिए, मीडियम आंच रखनी है आपने, फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना। लीजिए जनाब, अब ये मैं डाल दूंगी स्लाइस हमारे घिया कद्दू के, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसमें मैं हाफ कप पानी डालकर इसको कवर कर दूंगी ताकि ये गल जाए अच्छी तरह से।
कोशिश करें अपनी लाइफ में सब्जियों को ज़रूर रखें, मेन डिश के तौर पे ना सही लेकिन साइड डिश के तौर पे आपके यहाँ रोज़ाना एक सब्जी की डिश होनी चाहिए। अगर आप मीट लवर हैं तो प्लीज़ सब्जी को ज़रूर ऐड करें अपनी लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है इवन कि हम अपने बच्चों को शौक डालें, क्योंकि हमारे आज के दौर की जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड के बहुत शौकीन हैं। तो अगर हम सब्ज़ियाँ घर में बनाएंगे, पकेंगी, कभी ना कभी तो वो चखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उनको फिर ये टेस्ट जब डेवलप हो जाएगा उनका, तो वो फिर आपसे तकाजा भी करेंगे कि फ़लाँ सब्ज़ी अम्मी बहुत अच्छी बनी थी या मुझे फ़लाँ सब्ज़ी अच्छी लगती है तो आप वो बना के दिखाएँ। तो कोशिश करें आप इसमें कि आप इस सब्ज़ियों को ज़रूर शामिल रखें। मैं तो हमेशा रखती हूँ और मैं तो किचन गार्डनिंग की बहुत शौकीन हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे अपने घर में लगी हुई हैं और मैं लगवाती रहती हूँ, ताकि घर की सब्ज़ी एक तो तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, दूसरा पकाने में तो बहुत ही मज़ा आता है, और उसके टेस्ट की क्या बात है, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है बाज़ार की सब्ज़ी से। तो ये ट्राई करें, आपका घर छोटा है तो आप अपने गमलों में इसको लगाएं, और अगर घर में आपके जगह अवेलेबल है तो आप माशाल्लाह लगाएं चीज़ें। लीजिए जनाब, मैं अब इसमें हाफ कप के करीब पानी छोड़ देती हूँ थोड़ा सा डाल के, और इसको थोड़ा सा हिला देते हैं और कवर कर देते हैं। काफ़ी सॉफ्ट हो गई है हमारी सब्ज़ी, और इस स्टेज पर आपने इसको अगर ऑयल आपने और ज़्यादा कर लें यहाँ पर ऐड कर लें, नमक मिर्च तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं चेक करके, और इसको अभी 2 से 3 मिनट और लगेंगे और ये डिश हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छा सा हमारा ये हो गया। अच्छा, आपने ये भी करना है कि अगर आप इसके पीसीस को ऐसे तोड़ना चाहते हैं, गल तो गए हैं ये, तो आप ऐसे तोड़ सकती हैं, मैं भी तोड़ रही हूँ, मुझे छोटे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और अगर आपको स्लाइसेस साबुत चाहिए और गले हुए हों तो वो भी ठीक है। ये देखिए, ऐसे आप अपनी चम्मच की मदद से आप उनको मज़ीद जो है वो तोड़ सकती हैं, मैश कर सकती हैं इसको, ये आपकी पसंद के लिए, आपको स्लाइसेस वाला पसंद है। ये जब मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूँगी, फिर हमारा ये पूरा हाफ कप ऑयल चला गया इसके अंदर, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ग्लेज भी आ जाएगा आपकी उसमें। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च, थोड़ी सी साबुत डाल देते हैं, और ये, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें हरा धनिया, कोई गरम मसाला नहीं जाएगा इसमें, बहुत सिंपल मसालों से बना है ये घिया कद्दू और प्याज। ये देखिए, जब ये तैयार है मैं डिश आउट करती हूँ। लीजिए जनाब, मैंने अपनी डिश को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी, कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका, तो इसको ज़रूर आप ट्राई करिए और इंशाल्लाह आप ज़रूर इंजॉय करेंगे इसको, और अच्छा लगेगा आपको, एक नई डिश का इजाफा हो जाएगा, नई तो नहीं कह सकते लेकिन ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में मैंने बनाई है, तो आप ज़रूर इसको इंजॉय करेंगे जनाब। इंशाल्लाह अगले डिश में मिलेंगे आपके साथ, अल्लाह हाफिज़।